ताकती शक्तियों फड़ा पेन दाई कली कंकाली सबूटे पेन शक्तियाँ मेरे पूर्वज बुजुर्ग पेनवासी मामा ताराम जी दादा मोतीरावण कंगाली जी ना और सबूटे जिन्होंने हमारे समाज में योगदान दिया उन सबको मेरा सेवा 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 जोहार। सेवा जोहार किसी कुन उंडे सबूटे सगा समाज को मेरा सेवा जोहार करती हूँ और बहुत बहुत सेवावान कि आज जो आप लोग मेरे लाइफ के लिए अगर मुझे सुनने के लिए मेरा उत्साह वर्धन करने के लिए मुझ में सामाजिक कार्य करने के लिए जो आप लोग जुड़े हुए हैं सभी को मैं पुनः सेवा जोहार करके अभी से सबका सेवामान करती हूँ। जिस तरह की एक परंपरा होती है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं निको कार्य हेतु तो, हम अपने पेनों को याद करते हैं तो मातृशक्ति होने के नाते मैं दाई कली कंकाली को अपने ये दो लाइन से अपने मन भाव सबसे पहले अर्पित करते हुए मैं अपनी बात यहाँ रखूंगी। कोया वंशी दाई हमारी कली कंकाली ना सेवा जोहार सेवा जोहार सेवा जोहार दाई सेवा जोहार दाई तोला करथन हम सेवा जोहार दाई सेवा जोहार कोया वंशी दाई हमारी कली कंकाली ना सेवा जोहार सेवा जोहार सेवा जोहार दाई सेवा जोहार दाई तोला करथन हम सेवा जोहार दाई सेवा जोहार देख दाई तोरे आंगन में देख दाई तोरे आंगन में निवास करे कोया वंशी हजार सेवा जोहार सेवा जोहार दाई सेवा जोहार विशाल का छड़गढ़ में विशाल पहाड़ी का छड़गढ़ में वीराजी मुरदाई महान वीराजी मुरदाई महान सेवा जोहार दाई सेवा जोहार इस लाइन पे आगे की पंक्ति में मैं अपने पूर्वज मेरे मामा जी दादा जी को सभी को मेरे पिताजी को सब जो भी पेनवासी हो गए उनको सब अपने सेवा अर्पित करती हूँ। लेकिन कुछ लोग का नाम ले रही हूँ तो मैं पहले ही माफ़ी मांगना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरे मार्गदर्शक बड़े हैं लेकिन मैं उनको इस लाइन पर जोड़ रही हूँ तो नाम लेना पड़ रहा है मुझे इसलिए पहले माफ़ी मांगती हूँ मैं अपनी लाइन अर्पित करती हूँ। कोया वंशी दाई हमारी कली कंकाली ना सेवा जोहार दाई सेवा जोहार दाई तोला करथन हम सेवा जोहार दाई सेवा जोहार हीरा मोती लाते दे हीरा मोती तारम दा मामा लाते आसदान दे आसदान हमला भी दे दे आसदान दाई आसदान हीरा मोती तारा मामा हीरा मोती तारा मामा लते दे आसदान हमला भी दे दे आसदान दई आसदान हम सबला दे दे आसदान आसदान दई आसदान आसदान चाहती हूँ आप सभी पेन शक्तियों का प्राकृतिक शक्तियों का दाई कलिंग का कंकाली का फड़ा पेन और जो अभी हमारे फिजिकली रूप से शारीरिक रूप से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज भी उन सब का मैं आशीर्वाद चाहती हूँ अपनी बात रखती हूँ। दाई कली कंकाली के बाद में आज हमारी मात शक्ति के रूप में बहुत सी मात शक्तियाँ काम कर रही हैं सामाजिक क्षेत्र में मैं सब अब सगा समाज के साथ साथ सबसे पहले अपनी मामी जी उषा किरण अत्राम जी आदरणीय को मैं
बहुत बहुत अपना सेवा जोहार अर्पित करती हूँ। साथ ही पूरी टीम गुड़वाना दर्शन, मैं ये नाम कब से सुनती आ रही हूँ कि अभी मैं बताऊंगी आपको, तो बहुत अच्छा लगता है। टीम में जुड़ी सैताली जी, सब जितने हैं सबको मेरा, बड़े जी हो गए, गणेश गुण जी हो गए, नेताम जी, सब लोग को मेरा सेवा 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 जोहार। आज मैं लाइव आई भी हूँ, मैं अपने मामा जी ताराम मामी जी को, मैं, वो मेरे मामा जी लगते हैं। आज जो मैं रिश्ता बताऊंगी तो लोगों को लगेगा कहाँ से कहाँ रिश्ता जुड़ा हुआ था। मामा जी होते हैं मेरे, ताराम मामा जी मेरे पिताजी के, वो बुआ जी के लड़के होते हैं। इनका जन्म जो कहना चाहिए खजरा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में हुआ था। और हमारा गांव और मामा जी का गांव मात्र 3 किलोमीटर के अंदर में था। और हम लोग बचपन से उस गांव में खजरा में आना जाना करते रहते थे। और आज मुझे जब आज आ रही थी जब इस गुणवाना दर्शन लाइव में, तो मुझे वो बातें याद आई कि पहले तो बहुत छोटी थी, लेकिन आज लगता है कि उस समय की शुरुआत देखो आज क्या रंग ला रही है। जो मामा जी ने बीज बोया था, आज पेड़ पौधे बन के हम सबको हवा, स्वच्छ हमारे वातावरण हम लोग को दे रहे हैं, हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति दे रहे हैं। उस समय तो मैं दादा हीरा सिंह मरकाम जी को भी नहीं जानती थी, जिस ज़माने में हमारे घर में हमारे मामा जी आया करते थे। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मामा जी आते थे हमारे घर में, तब हम बहुत छोटे थे, हमको नहीं समझ आता था उस समय। लेकिन मामा जी के आने के बाद में क्या होता था, जैसे ही आते थे हमारे पिताजी मिलते थे, उनसे बताते थे ये हैं, और उस समय हम सुनते रहते थे। मेरे पिताजी को भी जितना समय मिलता था वो समाज में देते थे। और जब मामा जी आते थे तो इन लोग को हमने देखा, पिताजी की आदत थी क्योंकि हम लोग जबलपुर जैसे में रहने का सबसे मिलवाते थे कि सबसे मिलो, परिवार के लोग हैं। तो मैंने सुना कि यहाँ है तो ये काम करने जा रहा है, मेरे को भोपाल जाना है। और पहले बालाघाट से जब आते थे, गढ़ी से आते थे, खजरा से आते थे, अपने जहाँ से, तो आते समय पहले जबलपुर आते थे, उसके बाद में मामा जी भोपाल जाते थे। तो पहला स्टॉप जब जबलपुर होता था तो उस बहाने से हम लोग से मिलना हो जाता था। और जब हम मिल लेते थे तो उनके कारण, जो कहना चाहिए धीरे धीरे पिताजी के कारण तो हो रहे थे, उसमें मामा जी ने भी आके, मामा जी का एक कहना चाहिए एक अपना फ़र्ज अदा करते हुए उन्होंने हमको अपने साथ बताते लगे, ये कर रहा है वो कर रहा है। और 85 की याद है मुझे, बहुत छोटी थी उस समय, तो 10-12 साल की, तब मामा जी आके बता रहे थे ये है। और गुड़वाना दर्शन की बात करते तो हमको उस समय लगता था कि ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय ये सब इतना नहीं था। तो हमें लगता था कि क्या बोल रहे हैं या क्या करेंगे, ये क्या होता है, क्योंकि हम तो जो जबलपुर जैसे में बर्थ एजुकेशन मेरा सब, यानी जबलपुर का है, जॉब तक के जबलपुर का है, बाद में मैं बालाघाट आई हूँ और फिर अब यही निवास करने लगे हैं, अब तो बालाघाट की हो गई हूँ मैं। तो तब मुझे लगता था उस ज़माने में, सोचती थी कि ये क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। फिर पिताजी बताते थे थोड़ी सी, उनके साथ में पिताजी जब फैक्ट्री से आते थे और साथ में मामा जी के साथ में बैठ जाते थे जब, और शुरू हो जाते थे कि हमको ये भी करना है, हमको वो भी करना है, हमको ऐसा करना है, तब लगता था देखो कुछ तो चर्चा चल रही है और कुछ तो हो रहा है, ये अच्छा होगा। और उस ज़माने में जब किसी ने सोचा नहीं था, उस ज़माने में मामा जी ने गुड़वाना दर्शन पत्रिका के बारे में सोचा था, जब हमारे लोगों की सोच कोसों दूर थी इस चीज़ से। और हम सुनते रहते कि इनकी पत्रिका आ रही है, भोपाल से आ रही है, और इतने बड़े पद में, सीओ के जैसे पद में, कितना बड़ा पद होता है उस ज़माने में, इतने बड़े पद को पाना, वो भी एक कहना चाहिए ग्रामीण एरिया, ग्रामीण एरिया माने ऐसे कान्हा कान्हा किसली का एरिया, राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहलाता है, उस एरिया के ग्राम से आने के बाद में इस पद को पाना, अपने समाज के लिए इतना ज़्यादा सोचना कि उन्होंने अपनी पूरी कहनी चाहिए पूंजी है जो कहना है, जो भी था उन्होंने समाज के लिए समर्पित करना चाहा था। उस समय जानते कि जहाँ लोगों ने सोचा था कि चलो बंगला बना ले, गाड़ी ले ले, यहाँ प्लाट ले ले, बच्चों के लिए ये ले ले, उस समय हमारे मामा जी ने, ताराम मामा जी ने समाज के बारे में सोचा था। उस समय उन्होंने बोले पत्रिका के माध्यम से जब घर घर पत्रिका जाएगी, तो उन्होंने सोचा कि पत्रिका के माध्यम से हमारी समाज की बातें जाएंगी। और उस ज़माने से सोचते सोचते देखो आज क्या रंग लाया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि वाकई हमको कुछ अच्छे विचार तो करना चाहिए, और जब हम अच्छे विचार कर लेते हैं ना, तो कोई भी अगर उसमें रुकना भी चाहता है तो आप लोग को रुकना नहीं है, बस
हमको अगर लग रहा है कि आपके साथ साथ में परिवार की उन्नति है, आपके साथ साथ में समाज की उन्नति है, तो चाहे कोई कितने नाम रखे, टांग खींचे, रोके, रास्ता काटे, लेकिन रास्ता, बोलते ना, चलने वाले को रास्ता मिल ही जाता है, जहाँ चाह रहती है वहाँ राह होती है। तो वैसी सोच के निकल जाना चाहिए। आज मैं जब उनके बारे में सोच ही रही थी, मामा जी के बारे में, कि अगर उस ज़माने में वो ये सब नहीं किए होते तो क्या आज हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म सोचने समझने की शक्ति आती? नहीं आती। क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी हम पिछड़े हुए हैं, जो उसके पीछे हमारे समाज का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास में लिखित, कहना चाहिए, कई चीज़ों का दस्तावेज नहीं रहता है। और वो ये चीज़ को समझ चुके थे और उन्होंने इस चीज़ की पीड़ा उठाई कि नहीं, कल हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारा ये रहना चाहिए। और उन्होंने देखो उस ज़माने में सोच लिया, जो आज के बच्चे कहने चाहिए ये कनेक्शन आ गया है, अब ये नेटवर्क आने लगा है, इतनी भौतिक सुख सुविधाएँ मिलने लगी है, वैज्ञानिक युग मिल गया है, उस समय तो ये युग नहीं था, फ़ोन तक ही नहीं था। और उस ज़माने में सोच लेना, यानी उनके मन में जो विचार आए, फिर वो अपने, जैसे मरई दादा हो गए कोमल जी, वो भी मेरे पिताजी के फ्रेंड है ना, रायपुर में रहते हैं, उनको भी, मामा जी को मैं यहाँ से सेवा जोहार अर्पित करती हूँ अपना। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि शायद मैं कई लोग का नाम मैं नहीं ले पाऊँ, कभी कभी हम भाव विभोर इतने हो जाते हैं कि नाम नहीं ले पाते हैं। तो उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग का बोया हुआ बीज आज हम लोग हैं, और हम लोग आज जो बोएंगे तो निश्चित ही आने वाले भविष्य में वो सब चीज़ें हो पाएंगे, लोग आ पाएंगे, कर पाएंगे उस चीज़ को। तो वही लगता है कि देखो उस ज़माने में मामा जी ने किया है। क्योंकि मैंने एक बात ये भी सुना था कई बार, तो ये क्या कर रहे हैं, मामा जी को भी जैसे कई लोग बोलते थे, अरे यार इसको तो यही धुन है, बस समाज भी लग रहा था, इसको अपना परिवार नहीं देखना, अपना ये नहीं करना। लेकिन मामा जी का बस एक ही सोच थी कि मुझे ये करना है, मुझे अपने लोग के लिए करना। अपने लिए नहीं सोचते थे, अपने परिवार के लिए नहीं सोचते थे, उनका परिवार, जैसे मैं आज मानती हूँ कि मेरा एक ही उद्देश्य है, अगर कोई मुझसे पूछता कि आपका परिवार, तो तेकाम परिवार की तो हूँ, बेटी हूँ मैं इस तेकाम परिवार की, तो मैं बोलती मेरा परिवार। जब कोई बोलता है आपके कितने बच्चे हैं, तो मैं बोलती मेरे समाज में जितने बच्चे उतने बच्चे मेरे हैं, यानी सभी को मैं अपने बच्चे जैसे मानती, अगर बच्चे हैं छोटे हैं तो वो मेरे बच्चे हैं करके। तो वही उन्होंने भी ये सोचा था कि देखो कि मैं परिवार में एक बच्चे, दो बच्चे, चार बच्चे, ज़्यादा ज़्यादा 10 बच्चों को पाल लूँगा, लेकिन समाज के बच्चे कहाँ जाएंगे, समाज को मैं क्या दूँगा, जिस समाज से मैं बना हूँ तो मैं उसको कब उसका उद्धार करूँगा। कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ तो कर सकते हैं। देखे जिसका पाया, जिसका खाया पिया, जिसका गुणगान, मैंने जिसके कारण हमारी आन बान शान है, कम से कम उसका तो थोड़ा तो अदा करने का फ़र्ज हमारा बनता है। क्योंकि हम लोग जब अधिकार की बात करते हैं तो हमको अपना कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और हमारा कर्तव्य यही है कि हमको जिस माता पिता से, जिस परिवार से, जिस समाज से मिला है, हमको उसका ध्यान रखना ही चाहिए, और विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आपको अवसर भी देती है प्रकृति कि आप उनको धन्यवाद प्रेषित कर दो। तो आज गुरबाना दर्शन के माध्यम से मैं मामा जी को, और समस्त जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, गुरबाना दर्शन के तो मुख्य मामा जी हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि देखिए आज आज हमारे बीच में मामा जी, मैंने कहना चाहिए वो शक्ति के रूप में तो है, लेकिन साक्षात रूप में अगर देखना है तो मामा जी के साथ हमारी मामी जी, अतरा मामी जी खड़े होकर जब दिखती हैं, क्योंकि मुझे उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी। जब मैं सुनती रहती थी उस समय कि एक अतराम जी है, क्योंकि उस समय इतना साधन नहीं था, यानी तो मैं सुनती रहती कि एक है नागपुर से लिखती हैं, और मराठी, गोंडी, हिंदी सब भाषा आती और इतना लिखती, तो मेरी बहुत इच्छा होती थी कौन है कौन है। पर मैं खुश नसीब थी बाद में कि वो तो मेरी मामी निकली है ना, तो ये मुझे खुशी हुई और ये अच्छा लगा कि मैं उनके ज़्यादा नज़दीक आ गई और वो मेरे ज़्यादा नज़दीक आ गई। और बहुत खुशी होती है जब भी मेरे मामी कोई भी कमेंट्स करती है अभी में, तो मुझे लगता देखो हाँ, पहले तो मुझे मामा का रूप याद आता है, फिर मामी जी दिखती हैं साथ में, दोनों बने अच्छा लगता है। तो और एक माँ शक्ति होने के नाते इतना करी जो बहुत खुशी की बात है। तो मामा जी को आज मैं पुनः इस गुरबाना दर्शन के माध्यम से याद करते हुए, स्मरण करते हुए, मैं उनको अपना धन्यवाद आज फिर से अर्पित करती हूँ। जी हाँ, मैंने बताया था कि मैं एक तरह से गोंडी भाषा के बारे में बहुत अच्छा लगता है, मैंने बोला ना जैसे पहले ही कि मामा जी जैसे करते थे तो आज कहीं ना कहीं उसका परिणाम अच्छा मिल रहा है। ठीक वैसे ही हमारी IPF महिला मंडल, तो नहीं कहूँगी, बाद में महिला मंडल मैंने बनाया है, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा कर, क्योंकि बोलते हैं जहाँ पर मातृ शक्तियाँ अगर कोई काम के लिए भिड़ जाएँ
तो फिर तो वो बोलना चाहिए कि कहाँ नहीं पहुँचा सकती है, जहाँ उसकी इच्छा रहती है उससे भी अगर ऊपर हो तो वहाँ तक के पहुँचा देती हैं। तो वही समझ के पहले IPF जो टीम थी बालाघाट, जिसमें हमारे पूरे लोग थे, हमारे मुठवा जी धनेन्द्र सिंह गोंडिगे जी को भी मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने गोंडी भाषा क्लास में, और मैं आज बता रही हूँ कि इसमें मैं रायपुर वाले HSRMO हिम्मत सिंह गर्मो, जो खजरा ग्राम के हैं, कहने चाहिए तारा मामा के भतीजे होते हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से, अरे इनका बहुत मामा के साथ लिंक जुड़ा हुआ था, वो जिया जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ आज इस गुरुवारा दर्शन के माध्यम से, कि उन्होंने अपना कमरा हमको फ्री में दिया हुआ था, जहाँ पे हम लोग अपनी गोंडी भाषा क्लास लगाते थे। और IPF टीम जो बालाघाट है, उस IPF टीम ने वहाँ पे निःशुल्क 2015 1 जुलाई 2015 से हम लोग वहाँ निःशुल्क यानी क्लास लगाए, जिनको पाना था वो लोग आए भी और वहाँ पे क्लास लगती थी, हमारे धनेन मुठवा जी भी आते थे और हमने उसका नाम भी रखा था सीखो और सिखाओ, है ना, कि गोंडी, क्योंकि मैं जब जबलपुर की रहने वाली जैसे, तो वहाँ पर उस एरिया में गोंडी नहीं बोला जाता था, मेरी माँ के एरिया में गोंडी भाषा नहीं बोली जाती थी, मेरे पिताजी के गढ़ी एरिया में आज भी गोंडी भाषा नहीं बोली जाती, और दोनों के कारण और दोनों के बाद में गढ़ी बालाघाट और मंडला की माँ है, और माँ उसके बाद में हम लोग हमारा परिवार जो है जबलपुर में रहा, तो हमको गोंडी भाषा नहीं आती थी, मुझे हिल्ले इंगे तक के नहीं आता था। जब गोंडवाना कहना चाहिए पार्टी के तहत 3 विधायक चुने गए थे, आदरणीय दरबू सिंह जी, उइके जी, मनमोहन साहब भट्टी जी और राम गुलाम उइके जी, जब सीणी से, तब मैंने उस समय हिरासन दीदी थी बालाघाट में, अभी भी हैं, तो उनसे मैंने बोला था दीदी आप लोग हिल्ले इंगे एर तरा ये सब करते रहते हैं, तो मुझे एक शब्द नहीं आती थी, एक भी शब्द नहीं आती थी कि मैं क्या ये हिल्ले बोल रहे हैं, इंगे क्या कर रहा, फिर ये सारे से समझ, तो मुझे बहुत सीखने की इच्छा थी, एक बहुत पीड़ा थी कि मुझे क्यों नहीं आती, लेकिन मैंने जब घर में आके अपनी माँ को बोला तो माँ ने बताया मुझे उस समय, अरे मेरे को नहीं आती तो मैं तुझे कहाँ सिखाऊंगी, पिताजी को बोले थे 2002 तक के थे हमारे पिताजी हमारे साथ, तो वो बोलते थे हमको नहीं आती तो कहाँ से सिखाएंगी, और सीखने की बहुत ललक थी, बस IPF टीम ने, IPF टीम को भी धन्यवाद मेरी, और अब नई महिला मंडल भी बन गई जो सीखने की उत्सुक है और आती हैं, उनको भी, कि इस बहाने से हम लोगों ने देखिए एक सोच थी हमारी कि हमको कुछ करना अपने लिए अकेले नहीं करना, हमारे साथ साथ परिवार और समाज को फ़ायदा हो, तो हम लोगों ने सोचा चलो गोंडी भाषा क्लास चलाते हैं। और शुरुआत मुझे याद है कि 1 जुलाई को जब हम गए, मैं स्कूल से लौट रही थी अपने, पूरा भीग चुके थे, बरसात का दिन था, जुलाई में तो बरसात होती रहती है, और हम लोग आके अरमो भवन पूरी में अरमो सिंह जिया जी के मकान में आके हम लोग बैठ गए, और वहाँ पे एक मनोज कुड़ापे हैं जो अभी भी हमारे IPF टीम में हैं, वो भी आए भाई, और हम लोग ने नहीं आज से तो हमको पढ़ना है चाहे कुछ हो जाए, और हमने उस दिन कसम खाई थी, मैंने खुद कसम खाई थी कि जब मैं इस गोंडी भाषा क्लास से बाहर निकलूँ तो मुझे एक शब्द गोंडी का याद होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब रहेगा। और मुझे आज मैं बता रही बहुत सी गोंडी भाषा के शब्द आने लगे, जब कोई बोलता है तो मैं बहुत कुछ उसको सुन के समझ जाती हूँ, छोटे छोटे बच्चों को जितना होता है मैं उतना उनको सिखाने का प्रयास कर रही हूँ, और हमारे मुठवा जी हैं वो भी आके बताते, और जब नहीं रहते हैं तो जितना हमसे बनता है, कि मैं बोलती हूँ अगर शुरुआत एक से ही होती है, कोई एकदम से अचानक 100 हज़ार से नहीं होती है, और हम लोग सीख रहे हैं गोंडी भाषा, और देखिए ना हमारे मामा जी भी जब मामी जी के संपर्क में आए तो कितने अच्छे से उनने सीख गए, तो हम लोग तो आश्चर्य करते थे कि मामा को गोंडी भाषा आ कहाँ से रही है, तो मामी जी ने भी उनको इतना सिखा दिया था, तो बहुत अच्छा लगता है, इस बहाने से हम सीख जाते हैं। और सबसे पहली बात तो हमारी गोंडी भाषा आनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी मातृभाषा है, और बहुत तकलीफ होती है मुझे जब नहीं आती करके, मैं कई बार, क्योंकि आज मैंने जैसे मेरे परिचय में कवित्री भी दिया है, आज ही मुझे अभी कहने से बालाघाट में ही अंतरा सबशक्ति प्रकाशन के द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पे, हिंदी दिवस की भी सब लोगों को दे देती हूँ बधाई, आज हिंदी दिवस है आज, तो उन्होंने आज सम्मान भी हुआ हाँ बालाघाट पे, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे वो तो है ही, लेकिन मेरी मातृभाषा जो होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा होनी चाहिए वो गोंडी है, कोया है, कोया लवेज हमको आती रही है, तो वो कहीं ना कहीं आज भी दिल में एक चुभता रहता है हमको काटे जैसे कि क्यों नहीं आती, लेकिन इसके लिए गलती किसी की नहीं है, गुनाह किसी ने नहीं किया, ना मैंने ना किसी का ने, अब वो परिवेश में नहीं था इसलिए हमको वो सब चीज़ें नहीं मिल पाए, लेकिन मैं बोलती
जब जागे तब सवरे, या फिर हमको यह है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं उसके लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और आज हम प्रयास कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सीख भी रहे हैं, सिखा भी रहे हैं, और लोगों को गोंडी भाषा के लिए हम उनको बोलते हैं कि आप लोग भी सीखो, क्योंकि जब अपनी भाषा नहीं आएगी तो क्या मतलब। आज ही मैं याद कर रही थी, मैं एक जगह, हम लोग एक गांव पे गए थे, अपने ही समाज के गांव में जब गए, तो वहाँ जाके मैंने, हम लोग का एक कार्यक्रम था और हम लोग ने वहाँ सोचे कि जो 28 घर के लोग थे, हमने उनसे बात किया, तो वो बात उनको समझ नहीं आ रही थी क्योंकि हम हिंदी में बोल रहे थे, ओ दादा इधर आओ, ओ दादा इधर आओ, दादा जी इधर आओ, भैया, उनने नहीं सुना। तभी मेरे दिमाग में आया और मैंने बस इतनी सी गुंडी शब्द बोला, दादा को बत्ती परोल बत्ती पाड़ी दादा दाऊ नाना तेकाम आंध, कि मैं तेकाम हूँ और आप कौन से, मैंने सरनेम को। तब इतनी देर से जो उनको आवाज़ दे रहे, इधर आओ आपके गांव में कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो नहीं आ रहे थे, और जैसे ही मैंने बोली माने बत्ती पाड़ी दाऊ, तो वो समझ गया, उन्हें तुरंत बोले मराबियान, और मैंने आवाओ और आ गया। तो देखिए हमारी भाषा का महत्व, कि अगर नहीं तो उस दिन शायद मैं चुप रहती कि मैं क्या बोलूँ। फिर हमने अपने मुठवा जी को बुलाया, धनंजय जी को, उनको बोला कि आप भी बोलो, कि तब लोग बोलो, तो वो तो फॉरवर्ड वाले हैं गोंडी भाषा के। पुण्य जैसे ही बोला, फिर हम लोग का वहाँ कार्यक्रम हुआ, हम लोग ने जो भी जागरूकता हेतु कार्यक्रम करना था, जो भी हम लोग को अपने समाज की तरफ से देना था, IPF टीम की तरफ से देना था, यानी हम लोग ने वहाँ वितरित किया, उन लोग से जुड़े, उनकी परेशानी जानी। तो तब मुझे समझ आया कि अगर मुझे पूरी तरह से भाषा आती तो आज शायद हमारा प्रचार प्रसार और कितना अच्छा होता, और प्रचार प्रसार साथ नहीं, मतलब हम अपने लोगों से और कितना जुड़ जाते हैं। तब हमको लगता है कि मैंने जुड़ जाना था उनसे। मेरी माँ जी है, क्योंकि मामा से बहुत ज़्यादा वो है, तो उन्होंने लिख के तक के दे रही है मुझे कि ये भी बोलो कि समाज के लिए, उन्होंने CEO की माँ ने लिख के दिया है कि तुम भूल जा ना जाओ, क्योंकि माँ को भी पूरा मालूम है कि समाज के लिए उन्होंने CEO की पोस्ट रख के छोड़ दिए थे। सही बात है, क्योंकि उस समय इतना आना जाना उनका नहीं हो पाता था, तो मेरे मामा जी ने, तो वही माँ को लगा कि मैंने जो बोला है शायद कुछ छोड़ रही हूँ, तो मेरी माँ जी हैं सामने बैठी, उनका तो आशीर्वाद मिलता रहता ही, हमेशा साथ ही रहती हैं, तो वो लिख रहे कि आपके मामा जी ने CEO के पद, आप लोग समझ सकते हैं CEO का पद, आज से सोचिए मामा जी जब रहे होंगे, आज के पद में हम लोग इतना घमंड करने लगते हैं, आज जिनको मिलता है, तो उस ज़माने में रहते वो आज वो कहाँ होते। उसके बाद में भी उन्होंने, क्योंकि उनको बहुत लग रहा था कि मैं अपने लोगों तक के कहाँ जाऊँ, पूरा ऑल इंडिया में घूमना है, ऐसे नहीं कि उनको एक ही क्षेत्र में रहना था कि मेरे को गढ़ी एरिया में रहना है बस, या मुझे बैहर तक के सीमित रहना, नहीं, उनको ऑल इंडिया में भी घूमना था। तो इस चक्कर में उन्होंने उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, इतना बड़ा पद साहब जैसे रहना, तो इन्होंने क्या किया कि अपना ये पद तक के छोड़ा। बताइए आज के ज़माने में कोई साहब छोड़ते हैं क्या? हाँ छोड़ेंगे तो वो दूसरे लालच में छोड़ेंगे, लेकिन समाज के लिए कोई नहीं छोड़ता, उस समय का त्याग। अम्बा जी को धन्यवाद याद दिलाने के लिए भी, तो CEO तक के पद उनने, मामा जी ने छोड़ा, और आज जो समाज को दिया, वाकई बोलने की जरूरत नहीं है, उसकी जो कदरदान है वो तो दिल से आत्मा से कदर कर रहे हैं, और हमको खुद गर्व होता है कि जब कभी इतिहास तो लिख ही गया है उनके बारे में, तो सबको पता लग गया है, तो अब मुझे गर्व होता है कि वो मेरे मामा जी हैं। और ऐसा नहीं कि हमने बाहर बाहर कोई कार्यक्रम में मिले, हमारा कनेक्शन कहना चाहिए, हमारा लिंक कहना चाहिए, बचपन से जुड़ा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उनकी कहना चाहिए भांजी हैं। और एक बात और बता देती हूँ, गोंडी भाषा क्लास जब बालाघाट में चालू हुई, तो मामा जी को पता लगा कि मेरी भांजी चला रही, फ़ोन करके आए, पहले दीदी के घर में आए, फिर मेरे को क्लास में भी जाना है, मुझे मिलना है, और उनका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, धन्यवाद मामा जी, वो गोंडी भाषा क्लास में, क्योंकि उनका थोड़ा जल्दी कहीं जाने का था, लेकिन मेरे को स्कूल के बाद में 5 बजे के बाद क्लास लगती थी, तब भी मामा जी बोले नहीं मिल के जाऊँगा, और वो हमारे गोंडी भाषा क्लास में आए, और आए मिले वहाँ देखे, इतना खुश हुए, और हमको हमको तो मालूम नहीं था कि हमारे बीच से मामा जी इतनी जल्दी यानी शारीरिक रूप से नहीं रहेंगे, लेकिन मामा जी ने आशीर्वाद दे के, हमको बहुत अच्छा लगा कि हमारी गोंडी भाषा क्लास में पहुँचे, और बेटा इतना अच्छा कर रही हो करके, तो इतना अच्छा लगा कि देखो कदरदान ही तो है, जो इतनी दूर से आने के बाद में, जिनको नहीं बोला था दिन में समय देने को, पर मामा जी को पता लगा मैं स्कूल में हूँ और नहीं आ पाऊँगी, तो मामा जी ने उस समय क्या किया था कि
रुके और शाम को भी क्लास में आए, उसके बाद में घर आए, क्योंकि मार्क्स से मिले बिना तो जा नहीं सकते हैं। उनको बहुत अच्छा लगा और हमेशा वो माने माँ भी बहुत उनको मानती थी, कितना अच्छा है कि उनको भी लगता था मेरा भाई है करके, तो बहुत खुश होती थी माँ जी। और उन्होंने ये काम किया, आशीर्वाद दे के गए हमको, बहुत अच्छा लगा। और बोले इसको निरंतर प्रयास करना। और आपको एक बात बता देती हूँ, समाज मेरा सुन रहा है, कभी कभी जब हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो लोगों को उसकी वैल्यू नहीं रहती है। जैसे मामा जी को शुरू में लोग बोल देते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है। उस ज़माने में जैसे लोग दुनियादारी के दूसरे चीज़ों में लगे थे, धन दौलत बटोरने लगे थे, संपत्ति जुटाने में लगे थे, लेकिन आज उन लोग को सिर्फ परिवार ही याद करता है। वो भी तब याद करता होगा जिसको हिस्सा मिल गया होगा। लेकिन जिन्होंने ये संपत्ति के पीछे नहीं, समाज के, सास संपत्ति सास समाज होता है, संपत्ति छोड़ के जो समाज के पीछे गया, आज देखिए उसका नतीजा आपके सामने है कि आज हम उनको दिल से याद कर रहे हैं, जो लोग हैं सभी लोग याद कर रहे हैं, तो वो चीज़ हमको प्राप्त हो रही है। तो अच्छा लगा था कि मामा जी हमारे गोंडी भाषा क्लास में आए, बहुत अच्छा लगा था। मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ और मध्य प्रदेश मैंने राज्य आता है, और भोपाल में, भोपाल कहना चाहिए हमारी राजधानी है। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपने वीरांगना को, मैंने बोली ना मैं मातृशक्ति हूँ और नारी जागरूकता हेतु कार्य कर रही हूँ, तो मातृशक्तियों को ज़्यादा अंकित करना चाहती हूँ क्योंकि उनका आना सामने ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो मैंने बोला मैं जबलपुर की रहने वाली, तो जबलपुर के बारे में, और उसके बाद कहना चाहिए भोपाल राजधानी है हमारी मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे जो हैं उनको मैं, और पहले ही माफ़ी मांगती क्योंकि मैंने उनका भी नाम लिया है। तो मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आपको सुनाना चाहती, जो लोग बाहर हैं, जो लोग बाहर से सुन, जो मध्य प्रदेश के नहीं हैं, बाहर वाले हैं, तो शायद उनको ये पता भी लग जाए। सुनिएगा। ला 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 मेरा प्यारा देश है भारत, मुझे जाने से प्यारा, मेरा प्यारा देश है भारत, मुझे जाने से प्यारा। पेंजिया दा इकी गोदी में वीरों का बसेरा, पेंजिया दा इकी गोदी में वीरों का बसेरा। जी हाँ, पेंजिया मतलब जो गोंडी जानते हैं उनको मालूम है, धरती माँ की गोद में वीरों का बसेरा है। हमारे समाज के कई वीर वीरांगनाएं अपनी इसमें जान तक के दे दिए, शहीद हो गए हैं, बलिदान दिवस तक के उनका आज भी मनाया जाता है। बहुत से हैं जिनको मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ कि बहुत से जो है वीर वीरांगनाएं हैं, जितनी हैं, मैं भले दो मातृशक्तियों का इसमें नाम लूंगी, लेकिन समस्त मातृशक्तियाँ जितनी भी हैं वीर वीरांगनाएं हैं, उनको मैं अपना हृदय तर से नमन अर्पित करती हूँ, सेवा सेवा अर्पित करती हूँ। पेंजिया दा इकी गोद में वीरों का बसेरा, मेरा प्यारा देश है भारत, मुझे जाने से प्यारा। जबलपुर की हैं, उनके बारे में बड़ी वीरांगना। दुर्गावती अवंती बाई
यहाँ था डेरा। दुर्गावती अवंती बाई का यहाँ था डेरा। दुर्गावती दलपति सा की यही थी महारानी। जी हाँ, दुर्गावती महाराजा दलपत साहब मरावी जी की महारानी थी। दुर्गावती दलपत सा की यही थी महारानी। गढ़ मंडला मदन महल है इनकी ही निशानी। गढ़ मंडला मदन महल है इनकी ही निशानी। मेरा प्यारा देश है भारत, मुझे जान से प्यारा। ये हुई वीरांगना जबलपुर की। अब सुनिए राजधानी भोपाल की। कमलापति प्यारी सुंदरी भूपाल सिंह की रानी। कमलापति प्यारी सुंदरी भूपाल सिंह की रानी। जी हाँ, आज भी जाना आप लोग, जब देखना, जब मैंने उनकी मूर्ति को देखा है अभी, तो उस मूर्ति से मैं अंदाजे लगा सकती कि वो कितनी खूबसूरत होंगी, कितनी, मैं उनको देखते ही, मैंने शब्दों में बयान नहीं करती, जब मैं भोपाल गई और जब देखा उनको, तो मैं देखते ही खुश हो गई कि इतनी खूबसूरत हमारी कमलापति जी। तो मैं उनको भी नमन, मेरा सेवा जो है। कमलापति प्यारी सुंदरी भूपाल सिंह की रानी। जी हाँ, भोपाल जो नाम भी रखा गया है वो भोपाल सिंह के ही कारण रखा गया है, उस राजा के कारण रखा गया। भले आज नहीं बताया जाता, लेकिन इतिहास गवाह है कि भोपाल सिंह के कारण भोपाल नाम पड़ा है। तो कमलापति प्यारी सुंदरी भूपाल सिंह की रानी। गढ़ किला और तालाब है इनकी ही निशानी। गढ़ किला और तालाब है इनकी ही निशानी। मेरे सगा समाज के लोग, जब भी भोपाल जाइए आप लोग, तो देखिए कि अभी भी उनका गढ़ किला सब है। हम लोग तो घूम के आए हैं, देख के आए, और जब भी जाते हैं तो देखते हैं। तो आप लोग भी देखिए जा, बहुत अच्छा। और मैंने तालाब बोला, आज भी बड़ा जो तालाब है जहाँ से गाड़ियाँ निकलती, बहुत से लोग निकलते, तो वहाँ आप देखेंगे तो आज भी उनके वो तालाब पे उनकी मूर्ति अभी स्थापित करना है, और वो है। तो उनका देखो तालाब आज पहले बनाए हुआ आज भी सुरक्षित है, भोपालवासी इसमें पल रहे हैं। तो सोचिए, अगर वो उस ज़माने में नहीं किए होते तो क्या आज ऐसा होता? नहीं होता। तो अच्छी शुरुआत तो जब समय मिले, जब आपके दिमाग में आए, और शुरुआत कर देना चाहिए। और करने का परिणाम ये होता है, अच्छी शुरुआत का अंत देखिए, उसका फायदा फिर पूरे समाज को मिलता है, और आज मिल भी रहा है। तो ये दोनों मेरी वीरांगना दुर्गावती कमलापति दाइलना, सेवा 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 जोहार, ये दोनों जो हैं वीरांगना। देखो जबलपुर की, मैं जबलपुर की रहने वाली हूँ, और राजधानी भोपाल है मध्य प्रदेश की, राज होता है मध्य प्रदेश। तो उनको मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से अर्पित किया, मेरी स्वरचित रचना है, उन लोगों को अर्पित किया। हाँ, मामा जी के लिए बोलना चाहूँगी फिर से पुनः एक बार, कि जो शुरुआत है
हमें वाकई अच्छे लोगों के साथ भी रहना चाहिए, जो कार्य करते हैं उनके साथ में हमको हमेशा जुड़े रहना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मैं आईपीएफ ग्रुप बालाघाट से तो जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी मैं वर्तमान में आईपीएफ महिला मंडल भी बनाया है मैंने, और जिसमें थोड़ा सा हम लोग उस अनुसार बैठ जाते हैं कि जब महिलाओं को जिस समय समय मिल रहा है हमने वो समय चुन लिया, क्योंकि पितृशक्ति थोड़ी जैसे ज़्यादा नौकरी में है या कोई काम में जाते हैं, सबका जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी हो, दूसरी चीज़ों में भी रहते हैं, जब वो उसमें जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता, इसलिए हमने अपने जो आईपीएफ महिला मंडल के माध्यम से हम लोग जागरूकता हेतु एक प्रयास कर रहे हैं कि बोलते हैं ना जैसे माँ प्रथम गुरु होती है बच्चे की, वो तो बोलने वाली बात ही नहीं, सभी जानते हैं, सभी को समझ आता है, और जितनी सक्षम जितनी शिक्षित जितनी समझदार जितनी बुद्धिजीवी माँ होगी वो अपने बच्चे को भी उतनी दे पाएगी फिर। तो इसलिए मातृशक्ति का जागरूक होना हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं उनको कहना चाहती हूँ कि देखिए प्राचीन काल का इतिहास उठाइए, हमारे समाज का इतिहास उठाइए, तो आपको पता लगेगा। गुड़वाना लैंड का इतिहास उठाइए, सिंधु सभ्यता का इतिहास उठाइए, तो मातृसत्ता हुआ करती थी, और मातृसत्ता के कारण कितना हमारा कहना चाहिए समाज देश समृद्ध और विस्तृत था, सब चीज़ से संपन्न था। और आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है, जो मैं वो बोलना चाह रही हूँ, कि कहीं ना कहीं आज हमारी माँ शक्तियों को जितना सामने आना चाहिए, जितना उनका सही योगदान होना चाहिए समाज में, तो मुझे लगता है आज तो बहुत निकलने लगी हैं, कि नाम बोलने वाली बात नहीं, अभी आप लोग देखते भी जा रहे, बहुत से निकलने लगी, लेकिन अभी कुछ 4-5 साल पहले का भी अगर पीरियड उठाएंगे, अभी 2 साल पहले का भी, तो बहुत कम माँ शक्तियाँ थी जो घर से बाहर निकली। उन्होंने अब जिस जिन्होंने घर को त्यागना तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपको समय इतना मिल जाता है कि हम अपने सामाजिक जिम्मेदारियों, जैसे आप पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हैं, वैसे ही हम सबको अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभाना है। और जिस टाइप से आप जितने अंतर मन से पारिवारिक को करते हैं, देखना अगर उसी अंतर मन से आप सामाजिक करेंगे, तो सोचिए हमारा, जैसे आप घर के लिए अच्छा सोचते, घर को अच्छा करते, वैसे ही परिवार को भी कर सकते हैं। तो हमको ज़रूरी है बाहर निकलना, बहुत ज़रूरी है, और जब तक कि हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्योंकि हम जब बाहर से आएंगे, घर में हम लोग कौन सी बातें करते हैं, जो देखते हैं जो सुनते हैं वही बात करते हैं। जब मातृशक्ति महिलाएँ हमारी नारियाँ हमारी भारतीय जो हमारे समाज की महिलाएं जब बाहर निकलेंगी, सामाजिक कार्यक्रमों में जाएगी, अपने जो अपने से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उससे जुड़ी रहेंगी, तो निश्चित ही क्या होगा, वो जानेंगी, घर में आके वो जानने के कारण वो अपने बच्चे तक के पहुंचाएंगी भी। जब बच्चा जान जाएगा तो उसके मुँह पर वो चीज़ याद होगी निरंतर। जैसे आज हमारे घर में मेरा भतीजा है साईं, उसको मालूम है कि हम लोग जब कहीं भी जाते हैं वो जा रहा है, तो उसको मालूम है सेवा जोहारी बोलेगा, वो नमस्ते नहीं बोलता है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलता, क्योंकि वो चलने के कारण उसकी आदत में शामिल हो गया। कहीं भी जाता है बताता पा वहाँ पे वो मिले थे, पा वो बुआ हूँ मैं उसकी, लेकिन वो पा बोलता हम लोग को, तो वो वहाँ गए थे तो वो सेवा वाले मिले थे, तो उसको सब चीज़ समझ आ गया है, फड़ा पेन समझ आ गया, बड़े देव मंदिर जाना, हम लोग जैसे भरवेली जाते, तो क्या है हम बच्चे को जिस माहौल में ले जाते हैं बच्चा सीखते जाता है। और मैं उसको कहीं पार्टियों में ले जाऊँ, बर्थडे पार्टी छोड़ दो, कुछ बैठी में ना ले जाऊँ, लेकिन सामाजिक कार्यक्रमों में मैं जरूर ले जाती। कारण क्या है, जब वो जाएगा तो वो जानेगा, वो समझेगा, जब बच्चा देखेगा तो उसके अपने दिमाग में वो खुद ही उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करते हुए उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो मैं भी ये सभी एक सगा समाज से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे आप लोग पारिवारिक कोई पार्टियों में जाते हैं, शादी बारसा किसी में भी जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जैसे आप उस समय ध्यान रखते हैं कि हमको सा परिवार जाना, लोग बुलाते भी हैं कि सा परिवार आइए, तो मैं ये चाहती हूँ कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि जब हम सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाते हैं तो सा परिवार जाएं, भले शादी पार्टी थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम में जाओ, बच्चा देखना सीख के आएगा, और फिर वैसे ही जो हमारे सामाजिक लोगों को जान भी जाएगा,
और उसके बारे में वो सुन के फिर बोलने भी लगेगा, जानने लगेगा, बच्चा खुद भी करेगा। तो कल के दिन जो आज हम कर रहे हैं तो वो बच्चे आज जैसे हमारे मामा जी लोग ने किया, हमारे दादा जी लोग कर रहे हैं, हीरा सिंह मरकाम दादा जी ने किया, अपने मोती रामर कंगाली जी को धन्यवाद देती कि उन्होंने देखो गोंडी लिपि को मैंने उसका क्या कहते रिसर्च किया, उन्होंने बताया कहाँ कहाँ क्या है करके, तो कितना अच्छा लगता है। तो आज हम लोग को उसका आज फ़ायदा मिल रहा है। तो वैसे ही अगर आज जो हम करेंगे तो हमारे बच्चे जो छोटे से जुड़े रहेंगे तो वो भी उनको पता चलते जाएगा, वो भी उनको पता लगेगा। तो इसलिए हम अपने परिवार के बच्चों को खास तौर पे सामाजिक कार्यक्रम में जब भी जाते हैं उस कार्यक्रम में ज़रूर ले जाएं, क्योंकि हमारे ये जो हम लोग जो बीज बोएंगे आज वो हमारे बच्चों के काम आएगा, और ये बच्चे भी आज हम लोग जो कर रहे हैं वो एक इतिहास बनेगा। लेकिन इतिहास को वर्तमान में भी पढ़ना भी तो ज़रूरी है, जब वर्तमान में लोग जानेंगे तब उसका महत्व रहेगा, ये तो क्या मतलब कि फिर वो तो हम लोग को फिर शुरुआत करना पड़ता। इस कारण हम लोग बहुत पिछड़ते जाते हैं। हमारी जो आज चीज़ें तैयार हैं वो आजीवन तैयार होना चाहिए। तो आजीवन तैयार होने के लिए सबसे पहले लिखित तो होना चाहिए, जो आज हमारी कई संस्थाओं के माध्यम से हो ही रहा है। लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि अपने युवा पीढ़ी को, क्योंकि युवा पीढ़ी तो चल ही रही है, अभी बहुत सी टीम बन गई, GSC बन गया है, गुड़वाना स्टूडेंट है, JS है, बहुत से हैं, यानी कई लोग के नाम मैं नहीं ले पा रही, माफ़ी चाहूँगी, बहुत से बिरसा ब्रिगेड है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी का हमको रास्ता नहीं काटना, कोई तो कर रहे हैं पर गलत कोई भी ना करे, क्योंकि एक समाज का काम हो रहा है। तो मैं चाहती युवा पीढ़ी निकल गई है और हमारे साथ साथ में छोटे बच्चे भी जरूर जाएँ, और वो जब जाएंगे तो वो सब चीज़ को देखेंगे, जानेंगे, और उनके अंदर भी वो समय के अनुसार जो जो ज़रूरी उस चीज़ को उन लोग अंकित करते जाएंगे। तो बस मेरा यही छोटा सा प्रयास रहता है कि IPF महिला मंडल जो मैंने बनाई हूँ, अब तो मेरे साथ में बाहर से भी जुड़ गई हैं, कहना चाहिए महाराष्ट्र से भी जुड़ गई हैं, एक दो छत्तीसगढ़ से जुड़ गई हैं, और जिनको भी पता भोपाल से जुड़ गई हैं, तो मुझे खुशी होती है। उन लोग बोले क्या कर रहा है IPF महिला मंडल। तो छोटा छोटा जब भी हमारे समाज की वीर वीरांगनाओं का जन्म दिवस हो या बलिदान दिवस हो, उस दिन हम कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं, जो हमसे यथाशक्ति हमारी टीम से होता है, IPF टीम से होता है, हम वो करने का प्रयास करते हैं कि हमसे छोटा सा, मुझे मालूम है क्योंकि बीज कितना छोटा होता है और कितना बड़ा फिर फल का काम करता है, कितने बड़े पौधे का काम करता है, मात्र हम वही काम करते हैं। और मुझे खुशी होती है कि 2015 में हमने जब गोंडी भाषा क्लास चालू किया था, बहुत से लोगों से निवेदन भी किया था, लेकिन कभी होता है बहुत लेट जागते शायद हमारे लोग, जो भी कारण हो, तो लोग इसको नहीं समझ रहे थे, लेकिन 2015 में जब हम लोग ने चालू किया, और आज भी हमने निरंतर रखा है कि चालू, अभी कोरोना के कारण भाई क्लास नहीं लग रही, नहीं तो हमारी क्लास लगती थी शाम को, तो हमको ये बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर हम लोग ने गोंडी भाषा क्लास चालू किए थे उसमें करते, अभी तो हमारे मुठवा जी बहुत एक सिलेबस तैयार कर रहे हैं जिसमें अशोक दादा जी भी कभी कभी बताते रहते हैं, उन लोग का इतना कन्वर्सेशन उनका बीच में मैंने बातें होती रहती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि जुड़ने के कारण उनने एक अलग अपना चैप्टर मतलब एक सिलेबस तैयार करे कि किस ढंग से किस क्लास वाइज होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या हुआ, एक्टिवेट मैंने सभी लोग एक्टिवेट होते जा रहे हैं, सभी को कुछ कुछ करने की इच्छा उसमें होती जा रही है। तो मैं मुझे वही लगता है कि आज इसका प्रचार प्रसार 2015 करने के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज बहुत जगह क्लासेस चालू हो गई हैं गोंडी भाषा क्लास की, जिसका निश्चित ही हमारे समाज को, आने वाली पीढ़ियों को, आने युवा शक्तियों का उसका कहना चाहिए उसका लाभ मिलेगा, और वो लाभ से वो जरूर जब लाभ होगा तो उनको लगेगा भी कि क्लास चलती थी जिसका फ़ायदा हुआ है। और क्योंकि आज मैं बता रही कि मुझे कहीं ना कहीं जब भी मैं हिंदी में तो बहुत लिखती हूँ क्योंकि हिंदी भाषा ही है मेरी, तो मेरे को हिंदी में ही लिख लेती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को पिंच करता है कि काश गोंडी आती तो मैं थोड़ा सा उसमें लिखती, मैंने उसमें भी अच्छा लिखती, उसमें भी सोच समझ के लिखती। इसलिए मैं अपनी कविताओं में क्या करती हूँ, छोटे से एक दो शब्द, जैसे अभी ये मैंने गीत गाया जो उसमें पेंजिया राय डाल दिया, तो इस टाइप से छोटी छोटी चीज़ों को मैं क्या करती हूँ, अंकित करने का प्रयास करती हूँ। लेकिन वो चुभन जो है मेरी कि मुझे भाषा मेरी मातृभाषा नहीं आ रही, हमारी मातृभाषा नहीं, उसकी तकलीफ है, उसको मैं शायद मैं जीते जी इस तकलीफ का जो दर्द है वो कभी हटेगा नहीं, क्योंकि इतना तो नहीं सीख पाएंगे जितना होना था सीखना था, है ना, क्योंकि अभी भी कई जिम्मेदारियां हैं, कई अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसको करने में पूरा नहीं हो सकता। तो उस दर्द को मैं समझते होती कि कोई हमसे, हमारा बच्चा युवा पीढ़ी हमसे ना बोले कि आप लोग जब बाहर निकल चुके थे सामाजिक तौर पे तो हम लोग के लिए क्या सोचा था, तो ये बता सकते थे कि जिन लोग ने जिनको नहीं आती थी उनके लिए हमने, क्योंकि सबसे पहले हम कोई भी चीज़ भी जुड़ने के पहले हमारे पास में माध्यम होता है भाषा,
और इस भाषा को जिसने पकड़ लिया, अगर आपने आपने जो बोला सामने वाले ने समझ गया तो हमारा काम बनेगा, नहीं समझा तो हमने क्या बोला, उसने क्या समझा, उसने क्या करेगा, नहीं कह सकते। लेकिन हमने सटीक बात बोले, उसने भी वही सुना, उसका जवाब आया, तो उसका हमको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए हमको भाषा आना ज़रूरी है। तो हमने ये निःशुल्क क्लास रखे हुए हैं, और जो भी आए जैसा जैसा थोड़ा बहुत सीखते जा रहा है करते जा रहा है। मैं तो बोलती हूँ छोटे बच्चों से और युवा पीढ़ियों से कि आप लोग जल्दी सीख लिए, कल के दिन आपको मेरे जैसे पीड़ा ना हो, मेरे जैसे दर्द ना हो कि ये भाषा क्यों नहीं आए। अपनी चीज़ तो आनी चाहिए, निज भाषा तो आनी ही चाहिए। तो ये दर्द आप लोग का ना रहा, और मैं कई बार नाराज़ भी हो जाती हूँ। आज भी मैंने कुछ लोग को बोला, जिनको 2000 में मैंने बताया था कि मैंने बोला था तीनों विधायकों में से, यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज मैं दरबू सिंह जी से और वट्टी जी से थी, आज उनको भी मैं 2 मिनट श्रद्धांजलि मैंने सेवा अर्पित करती हूँ, अंतिम जोहार अर्पित करती हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन बहुत दुख होता है उनके बारे में आज भी। तो वट्टी जी को भी मैं अपना यहाँ से प्राकृतिक जोहार अंतिम जोहार करती हूँ कि उनसे मैंने बोला था कि गोंडी भाषा के भैया यहाँ चालू करो, मुझे सीखना, क्योंकि दीदी को आती थी वट्टी जी को, दरबू सिंह जी को, और इनके जब बीच में जब हम बैठते थे सामाजिक तौर पे, तब हमको लगता था कि आनी चाहिए। तो आप लोग, तो आप लोग के साथ किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये चाहती कि आप लोग इसको सीख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और महिलाओं के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आप जहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं भी कई जगह जाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि कई जिम्मेदारियाँ नौकरियाँ हैं, उसको कौन देखेगा, कौन करेगा। तो मैं बोलती हूँ आप अगर कहीं जा नहीं सकते तो आप जिस जगह में रहते हैं उसी जगह में आप लोग कुछ भी कार्य करने की ठानिए, और निश्चित ही जब आप अच्छे उद्देश्य से कोई कार्य शुरू करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत आएगी, थोड़ी सी परेशानी आती हैं, जैसे अभी मेरे को लाइव आने में थोड़ी सी नेट के में वो सिस्टम मुझे नहीं समझ आ रहा था, थोड़ा सा करते आगे पीछे होते होते करा, लेकिन बाद में देर से ही सही मैंने कोशिश की, आज अकेले जो भी कोशिश किया और आज मैं आपके सामने आ गई। ठीक वैसे ही हम, यही उदाहरण है, ऐसे ही हम जुड़ के दो महिलाएं, जैसे जब IPF में शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले मैं जुड़ी थी अपने पितृ शक्तियों के साथ में, और जिस टीम में हमारे, उसके बाद में एक ठाकुर मैडम है निर्मला ठाकुर जी दीदी, और हमने आज तक के जिनसे नहीं मिले, रश्मि सिलार जी, रश्मि उर्सेंडी जी हैं जो कोरबा की हैं, हम लोग आज तक नहीं मिले, लेकिन पूरा IPF महिला मंडल को सपोर्ट करती है, IPF टीम को भी करती हैं 2015 से, और अभी भी वो सपोर्ट कर रही हैं। और हम लोग के काम में इतनी दूर से रह के कोई उनको सजेशन देना, कोई राय देना कि और क्या अच्छा हो सकता है, और निरंतर वो हमारे ग्रुप में जो जुड़ी हुई हमको बताती रहती हैं, और हम लोग वो सब काम करते रहते हैं। और आज इतना अच्छा लग रहा है कि कई जगह बहुत से महिला मंडल बन गई हैं, और सब जगह अपने अपने लोगों के कार्य चालू हो गए हैं। तो अच्छा लगता है कि मात शक्ति जब बाहर निकलती है ना, तो एक गर्व की बात अलग होती है, उसको वही लोग फील कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, और मात शक्ति की जब बात ही आती है तो मैं हमेशा बोली हूँ कि जब मात शक्ति वाकई जब निकलती है ना कोई कार्य करने, तो मैं बता रही हूँ कि वो निश्चित ही वो मंजिल पे पहुँचती है, क्योंकि जो उसकी यथाशक्ति जो होती है, ये तो हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले से समझ गए थे, इसलिए मातृसत्ता हमारे समाज में चलती रही है। मौसम के कारण थोड़ा सा खराश है। तो जब वो काम करने निकलती हैं, तो अब उसका उदाहरण आप मामी जी को देख लीजिए, कहाँ रहती हैं। पहले तो आप ये सोचिए, एक दिन जब मैंने इस बार बोल के रखा था कि मैं गर्मी में वहाँ रहूँगी, लेकिन ये कोरोना महामारी के कारण मेरा तो जाना नहीं हो पाया वहाँ, लेकिन उस एरिया में भी रहने के बाद में मामी जी पूरा काम करती, बता रही थी, क्योंकि ऐसा समय था कि कोई आ भी नहीं रहे थे, नौकर चाकर सब काम पूरे जितने हैं उन्होंने तो प्रकृति को पूरे वहीं पे रख लिया है अपने, सबका पालन पोषण करने के बाद सबको खिला पिला के सब इतना कर रही हैं। और भी माँ शक्तियाँ हैं, है ना, अब जैसे नाम भले नहीं ले रहे तो और भी माँ शक्तियाँ इतना कर रही हैं,
और देखिए कितनी मासूम, ये विदेश तक के जोड़ डाल दी। उस दिन तो न्यूजीलैंड से मामी बताती रहती, हमारी बीच बीच में बातें होती हैं, जब बताती तो कहाँ तक की लिंक है। अगर वो सोचती कि मैं जंगल में हूँ, मैं अकेले हूँ, या मैं तो यहाँ पे कोई का वो साधन नहीं है, उसके बाद में भी मामी जी कर रही हैं, बहुत प्रेरणादायी हमारे लिए हैं। ऐसी माँ शक्ति है कि जितनी है मेरे समाज की, चलो आज गुरुवाणा दर्शन के माध्यम से जिनका नाम नहीं ले रही हूँ, मामी जी के साथ में, उस वक्त मामी जी के साथ साथ में, उन समस्त माँ शक्तियों को भी मेरा सेवा जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ आप लोग का, कि आप लोग बिल्कुल निरंतर शुरू से लगे हुए हैं। आज हम लोग को कुछ बता रहे हैं, हमको समझा रहे हैं, उस आधार पे हम कुछ करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी करेगी। आप लोग को पुनः धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। जितनी भी माँ शक्तियाँ, कई का मैंने पहले भी बोला कि कभी कभी हम ऐसे खो जाते कि हम नाम नहीं ले सकते, तो माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन मामी जी आपको, उस आतरा मामी जी आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा लगता है कि आप वहाँ पर रहने के बाद, इतने काम के बाद में भी, सबको संभालने के बाद में भी, ये सब कार्यक्रम में लगे हुए हैं। गुरुवारा दर्शन जो मामा जी का एक सपना था, आप बाकी उनके साथी, बोलते हैं ना दाएं बाएं बराबर रहे तो अच्छा रहता है, अगर एक भी हुआ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो मामी जो उनका थे दायना हाथ बन के हैं, तो वो आज भी उन्होंने जो सपना मामा ने देखा था उसको आप पूरा कर रही हैं। वाकई आपको तो कहना चाहिए कि हम सबके समाज के तौर पे प्रेरणादायी तो आप है ही, और ऐसा देख के हमको अच्छा लगता है और दूसरी महिलाएं भी सीख रही। तो मैं मातृशक्तियों से कहूँगी कि आपको अगर आपने नहीं देखा है तो कभी देखिए मामी जी को भी, मामी जी और भी महिलाएं आपके आसपास में भी महिलाएं, उनको देखिए। और आप लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे आप लोग कार्य शुरू कर दीजिए। जैसे कि हमने बताया कि हम लोग हैं महिलाएं जो जुड़ गई हैं, तो हमने शुरू जो किया था स्टार्टिंग, हमको नहीं समझ आ रहा कि मैं महिलाओं को कैसे जोड़ूँ, तो मुझे मालूम था कि महिलाएं बीसी के माध्यम से जुड़ती थी, कि महीने में बीसी खोलो, बैठ जाओ किसी घर में, बातें करो। तो मैं भी ऐसे ही जाने लगी, और जाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ जुड़ते साथ हमने बोले बीसी खेलते हैं। फिर हमने वहाँ पर एक शर्त रखी पहले कि बीसी जिसकी खुलेगी वो पहले सामने आके अपने गांव का, कि मेरे कौन से माई का गांव कौन सा है, ससरा गांव कौन सा, और हमारे समाज से संबंधित उस गांव में क्या क्या चीज़ है, तो इस बहाने से हमको जानकारी हो जाएगी। तो सब महिलाएं एग्री हो गई। और फिर हम लोग, हम किसी के घर में अगर जाएंगे तो खर्चा तो होगा कुछ नहीं, तो चाय नाश्ता, आलू पोहा, चाय पापड़ वापड़ जो भी खिलाएंगे, 200-300 रुपये तो खर्च होगा। तो फिर हम लोगों ने गोंडी भाषा क्लास जो हमारी लगती है, हम लोगों ने वहाँ बैठना शुरू किया। वहाँ पे महिलाएं आई, पहले बीसी खुल गई, जिसकी खुल गई बोले भाई चलो बोलना भी सीखना है, अपन को करना भी है, तो सामने जाके आपको क्या करना है, अपना परिचय देना है। परिचय देने के साथ साथ में आप कौन से व्यवसाय से जुड़ी हैं, अगर सर्विस नहीं भी करती हैं, अगर हाउस वाइफ भी हैं, तो आपको क्या बताना है, आप क्या काम करती हैं। इस बहाने से कई लोगों ने बताया अपना अपना, कई महिलाएं ऐसी जब नई जोड़ी तो उनका पता लगा कोई सिलाई करा रही है, कोई सजाने का कर रही है, जो भी काम करती थी वो पता लग गया, अब हम लोग उन्हीं के पास में जाना शुरू कर दिए। इससे प्रचार प्रसार भी हो गया, हम भी जाने लगे, हमारा जो कहना चाहिए जो उद्देश्य था हमारा, वो उद्देश्य भी पूर्ण हो गया, और आज हम लोग का इतना ज़्यादा हो गया। फिर हमने बोला जो खर्चा करते हम लोग घर में बैठ के नाश्ता पानी करते, कभी तो कर लेंगे, लेकिन ये बीसी के उद्देश्य से, तो हमने बोले जो भी हमारे पास में जमा होगा तो हम लोग उसको क्या करेंगे कि जो हमारे समाज की बहुत पुअर कंडीशन में है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, हम लोग उनके लिए कुछ लेना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग गर्मी में स्टेशनरी ले लिया, जो भी चीज़ें जो यथाशक्ति कहीं लगती कोई प्रॉब्लम है अपने लोगों का है ख़ास तौर पे, तो हम लोग उस तक के ये अपने ये पैसा बचा के, जो हमारे कहना चाहिए फिजूल खर्चे थे, हम लोग ने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहा। और हमारे इसमें बहुत सी महिलाएं कहना चाहिए हाउस वाइफ लोग हैं, वो हाउस वाइफ लोग अपने फिजूल खर्चे बचा के 200-300 पर मंथ हम लोग को देती है और ज़रूरतमंद तक के हम लोग पहुंचा देते हैं। और जैसे कि हम लोग, और एक बीसी हमारी होती है भरवेली, जहाँ पेंट आना है, बड़े देव का मंदिर बना है, तो वहाँ पे हम लोग जब जाते वहाँ की महिलाओं को जोड़े, तो हम लोग को आरती नहीं आती थी, जब बताते कि अपने जो थी फड़ा पहन की आरती नहीं आती थी, तो हम लोग जब इस दिन यहाँ बैठते हैं, इतवार का दिन है, तो हम लोग जब जाते हैं मंदिर में तो सबसे पहले हम लोग ने आरती करते हैं अपनी, कहना चाहिए है ना जो भी है, तो उसको गाने से वो हमको याद हो गया और हमको समझ भी आ गया, और धन्यवाद प्रेषित करके हम लोग वहाँ पे काम शुरू कर दिए हैं। और इस हिसाब से हमने बीसी के माध्यम से 2-3 जगह हमने खोला है बीसी, और वहाँ पे हम अपने जो महिलाओं के साथ में मिलके, अभी हमने इसमें पितृशक्तियों को नहीं जोड़ा, हम सही बता रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते, मैं हमेशा कोई भी कार्य करने के पहले ये सोचती हूँ कि हमारे लोग कितने माने गौरवशाली थे, और महिलाएँ हमारी कितनी कहना चाहिए वीरांगनाएं, जब नाम जब उनको
दिया गया। तो इतनी वीरांगनाएं थी तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? आज तो हम लोग ज़्यादा थोड़ी सी यानी भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में हैं, तो हमको करना चाहिए। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि चलो हम लोग पितृशक्ति का भी साथ लेंगे, लेकिन थोड़ा कम, वो तो बिना उनके तो चल नहीं सकते, हम जानते हैं। पर हमने सोचा कि पहले एक बार हम लोग करने की सोचे, और हम लोग करते भी हैं। कई जगह अब लोगों को समझ आ गया, कोई बोलता है कि ये किसने किया, तो हम लोग तो हम सब महिलाएं कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और जहाँ उनकी जब जरूरत पड़ती है तो तब हम उनको बोलते हैं कि आप लोग का तो ज़रूरी है, बिना पितृशक्तियों के बिना तो हम भी नहीं चलेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम भी कर सकते हैं। और करने के लिए हम अपनी वीरांगनाओं को याद करते हैं कि जब वो कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं, और ये क्लिक करता है मन में कि हम क्यों नहीं, और हम क्यों नहीं जहाँ होता है और वहीं पर हम शुरू हो जाते हैं कि हमको करना है। और बहुत दुख होता है कि आज भी हमारे बहुत सी चीज़ों को लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए मैं माफ तो नहीं करूंगी, बहुत तकलीफ देह होती है। तो उसके लिए मैं अपनी एक कविता के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि उसमें जो लिखा था अच्छा नहीं लगा था सुन के, कि आज भी हमारी माता बहनों के साथ में जो भी हो रहा है वो सुन के कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ होती है। तो जो हमारे गढ़ किले इतने सब थे, जो आज हमारे बीच में अभी भी हैं, पर उसका बखान उसको सामने इतने अच्छे से लाया नहीं जाता है, उस पे है। मेरी ये बुक पे भी आई हुई है, उसी से निकाल रही हूँ। कैसे मैं माफ करूँ गुनाहगारों को, कैसे मैं माफ करूँ गुनाहगारों को, जिन्होंने हमारा गौरवशाली इतिहास मिटाया, जिन्होंने हमारा गौरवशाली इतिहास मिटाया, कैसे मैं माफ करूँ गुनाहगारों को, कैसे मैं माफ करूँ महापापियों को, कैसे मैं माफ करूँ महापापियों को, जिन्होंने हमारे बच्चों को माँ से छुड़ाया है। क्योंकि हमारे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को माँ से अलग कर देना, मतलब या तो माँ को ख़त्म कर देना या बच्चे को उठा के ले जा लेना, तब बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बोली मैंने कि कैसे मैं माफ करूँ महापापियों को, जिन्होंने हमारे बच्चों को अनाथ किया है, कैसे मैं माफ करूँ अत्याचारों को, कैसे मैं माफ करूँ अत्याचारों को, जिन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार किया है, जिन्होंने हमारी बहन बेटी के साथ दुराचार किया है, कैसे मैं माफ करूँ अत्याचारों को, कैसे मैं माफ करूँ
दोषियों को जिन्होंने इंसानों के बीच नफरत फैलाया है, जिन्होंने इंसानों के बीच नफरत फैलाया है। कैसे मैं माफ़ करूँ गुनहगारों को, कैसे कैसे माफ़ करूँ रमा जिन्होंने पाक धर्म में आहाकार मचाया। हमारी पवित्र धरा उसमें हाहाकार मचा के रख दिए लोगों ने, अपनी करनी से बहुत तकलीफ होती है। और हमारे वीर वीरांगनाओं को कहना चाहिए, उन्हें तो उनकी आत्मा भी कितना तरह वो होती होगी, दुखी होती होगी कि हमने क्या दिया था और लोगों ने क्या बना दिया। इसलिए मैं बोलती हूँ ऐसे लोगों को तो मैं माफ़ वाकई नहीं करूँगी। और उन मेरी बहन बेटियाँ, मेरी माता है जिनके साथ में अत्याचार हुआ है, तो आज के युग में उनको जानते हैं, इसलिए मैं उनका नाम ले रही हूँ इस कविता के माध्यम से, कि मैं बोलती हूँ जिनके साथ में अत्याचार हुआ है या जो लोग देख रहे हैं, तो उनको ये काम करना चाहिए। इस कविता की दो लाइन आखिरी में अपने संदेश स्वरूप बोलना चाहती हूँ कि आपने फूलन देवी जी को सुना ही होगा। हमारे बीच में भी बहुत सी वीरांगनाएं जिन्होंने लड़ा है, लेकिन फूलन देवी को इस समय की बात में बोल रही, वर्तमान स्थिति में ला रही हूँ, इसलिए जिनके साथ में अत्याचार है, हो रहा है या हुआ है, उन लोग को क्या करना चाहिए, उनके लिए दो लाइन का संदेश है। ये सभी पूरे भारत में जितनी साथ, खासतौर तो हमारी समाज की महिलाओं के साथ तो कुछ ज़्यादा ही होता है, तो ये संदेश सुने। उठो भारत की नारियों, उठो भारत की नारियों, वक्त नहीं है रोने का, अब तो वक्त आ गया है फूलन देवी जैसे भी बनने का, अब तो वक्त आ गया है फूलन देवी जैसे भी बनने का। मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो फूलन देवी जी, उनके साथ जब अत्याचार हुआ था, बलात्कार जैसी घटना हुई थी, तो उन्होंने बदला तक के ले लिया। तो मेरा मत है कि कमज़ोर होना नहीं है हमको, कम से कम ऐसे लोग को, वीर वीरांगना, वो वीर वीरांगनाओं को याद करना है जिन्होंने अपना राजपाट बचाने के लिए, जिन्होंने अपना मान सम्मान बचाने के लिए कार्य किया है, उनको याद करो कि उन्होंने कैसे किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वर्तमान की स्थिति को देखते हुए आपको कार्य करना है, और वाकई जिनने गलत किया उसको तो आप ही सजा दो, क्योंकि लंबी सजा, ये जब जाते हैं ना थाना जाओ, कोर्ट जाओ, लंबी सजा होती है तब तक कि वो सब चीज़ को दबा दिया जाता है। तो अपनी लड़ाई लड़ना स्वयं सीखे, किसी के भरोसे ना रहे, बहुत हो चुका, अगर अब हम नहीं जागे, अब हम नहीं माने, तो अब हमारे लिए बहुत देर तो हो रही है, अब हमें देर नहीं करना है, हमको अब आगे सोचना है। हाँ, एक बात और मेरी माँ जी ने लिख के दिया है कि इसमें बता रही है कि वो इतने रिच परिवार के थे, इतने रईस परिवार के थे मामा जी, ताराम मामा जी, कि इनके घर में एक पेटी के रूप में रुपए जमा करने के लिए उन्होंने दिन देखे थे, और जिस पे बताते कि उसमें पैसा जमा करते थे कुछ कार्य हेतु, तो उसको दिन बाद में जब देखे तो उसमें बताया जाता है कि देखिए उन्होंने पहले से ही क्या करने लगे थे कि हमको सामाजिक तौर पे कुछ ना कुछ अपना अंशदान जमा करते जाना है। जैसे आज हम लोग आरडी चालू करते हैं, है ना जी, तो हम लोग जैसे आरडी चालू करते हैं, बैंक बैलेंस के लिए कुछ रखते हैं, उस ज़माने में ये जब सब नहीं था, तो मेरी माँ जी बता रही हैं कि एक पेटी उन्होंने बनाई थी जहाँ पे उन लोग जमा करते थे कि हमको किसी को सहयोग करना है या सामाजिक तौर पे लगाना है। बाद में जब निकाला गया तो उसमें पता चला दीमक तक की लग चुकी थी, पर उन्होंने स्टोर करना सामाजिक तौर पे उन्होंने शुरू कर दिया था। कितनी बड़ी बातें हैं, कितना अच्छा, और ज़मीन में गाड़ के रखे, तो उस ज़माने में रखा जाता था। तो सोचिए आप कि ये होता है लक्षण, कि अगर शुरू करे हैं हमने तो उसके आज लक्षण हमको मिल रहे हैं, और हमको पता भी लग रहा है कि क्या करना है, और जिसका परिणाम हमको निश्चित ही आज मिल रहा है। तो आप सभी से मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, शायद बहुत टाइम भी हो गया है, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि इसके लिए हम लोग कोई भी शुरुआत करें। मैंने इसलिए एक छोटा सा उदाहरण अपना आईपीएफ अभी महिला मंडल का बोला, उसके पहले आईपीएफ टीम जिसमें पितृशक्ति अभी थी, और आईपीएफ महिला मंडल में मात पूरी कहनी चाहिए कि पूरी मात शक्तियाँ हैं,
तो मैं ये चाहती हूँ कि जब हम लोग ने ठान लिया है 2015 का रंग, आज प्राय प्राय गाँव में गोंडी भाषा क्लास चालू हो रही है। वैशाली बेटा को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिसने अपने गांव कटंगी में चालू कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। इसने वैशाली ध्रुवे जी ने जनवरी में हमने अपनी क्लास में भी बुलाया थे कि बेटा जब बालाघाट में रहती तो यहाँ भी आओ। हम लोग को मिल के, किसी का किसी को रास्ता काटना नहीं है, हम लोग को सबको मिल के एक दूसरे को हाथ पकड़ के खींचना, टांग नहीं खींचना, पैर नहीं खींचना, हाथ पकड़ के खींचो और देखो हमारा समाज ही आगे बढ़ेगा। अगर हमारे समाज के लोग हैं तो मतलब गिरते हुए को संभालना सीखो, है ना। काटने में तो हम माहिर हो गए थे, बहुत कुछ हम लोगों ने नुकसान भी पहुँचा दिया अपने समाज को, लेकिन अब जागरूक हो चुके हैं सब लोग। तो मैं चाहती हूँ कि हमको जागरूकता तौर पर कोई भी हमारा आ रहा है, छोटा हो बड़ा, छोटा बड़ा हो किसी को नहीं समझना, वो समय बता देगा कि कौन कितना बड़ा था। क्योंकि मैंने भी ये आजमा लिया है, एक उम्र भी मेरी हो रही है, तो मुझे समझ आता है कि हम जितना अच्छा करेंगे हम उतना अच्छा पाएंगे। अगर हमने बोलते अगर हमने किसी के लिए बुरा किया है, हम किसी के टांग खींचने का काम करें, किसी को नुकसान पहुँचाने का, बोलते कोई नहीं देख रहा, पर आप ही बोलते थे कि हमारा फड़ा पेन है, दाई कली कंकाली, हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ वो तो देखे ना। तो इसलिए हमको एक ध्यान रखना है कि जब हमने देख लिया है उनको कि वो हमको देख रहे हैं, हम जानते हैं, माने देखा तो नहीं, हम जानते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए। इसलिए जितने भी हमारे सामाजिक लोग कार्य कर रहे हैं, हमको उनका हाथ पकड़ के खींचना है। सब अपना, सबके लिए प्राकृतिक ने, प्राकृतिक शक्ति ने सबके लिए उनकी पोजीशन बनाई हुई है, सब सामने आ जाएंगे, सब हो जाएगा, काम करिए। बेटा वो वैशाली ध्रुवे कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगता। अभी यहाँ बालाघाट में भी खुल गई है, हम लोगों ने तो ऑलरेडी चालू रखे हैं, अभी हमारा भी दो तीन जगह प्रयास चल रहा है, पर अभी ये लॉकडाउन के समय, क्योंकि हम सावधानी भी बरतना चाहते हैं, कभी कभी हो जाता है छोटी सी भूल से कहीं नुकसान ना हो जाए, तो उसका विशेष ध्यान रख के हमारी भी तीन चार जगह चालू होने का काम चालू हो गया। और ये जब महिलाएं जाती ना तो कई जगह लोगों को ज़्यादा उत्सुकता बढ़ रही है, ज़्यादा जागरूक हो रहा है, क्योंकि जब महिला बताती, देखना आप कोई भी मंच में देखना, आप लोग जब जाते हैं और वहाँ पे पितृशक्ति है, मातृशक्ति भी है, लेकिन जब मातृशक्ति मंच में कुछ बोलने आती है तो सबका अपने आप डायरेक्शन उनकी ओर अलग टाइप से हो जाता है। एक बोलते हैं ना, वो कारण सुंदरता नहीं है, मेन सुंदरता पर नहीं जाना, जो कहते हैं जानकार रहते हैं, जो समझदार रहते हैं और जो कहने चाहिए उसके इज्जतदार कर कदरदान रहते हैं, जो रहते हैं वो उनकी मालूम किस चीज़ पे जाते हैं, बोलते ना वैसे ही ममता से भरी होती है, प्रेम की तो पुजारी होती है, तो वो प्रेम से लबालब होने के कारण उनका अट्रैक्शन, सबका अट्रैक्शन उसकी ओर बढ़ जाता है। और जब वो महिला कुछ बोलती है तो सब लोग ध्यान से सुनते हैं उसको, पूरे लोग का ध्यान आता है। तो इसलिए मंचों में मातृशक्तियों का आना बहुत ज़रूरी है, और मंच में आके जब मातृशक्तियाँ कुछ चीज़ देंगी तो सभी को फायदा होगा, पूरे लोगों को, समाज को फायदा होगा। तो मैं चाहती कि सभी माँ शक्तियाँ सामने आए, इस बहाने से जैसे हम लोग कर रहे हैं और भी जगह चालू है, जैसे हमको पता भी लगते जा रहा है वो भी, और भाषा का प्रसार प्रसार बहुत होना चाहिए। हमारी गोंडी भाषा कोया लवेज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि इससे हम अपने लोगों से जल्दी अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो हमारी भाषा का प्रचार प्रसार हो सब जगह, जहाँ पर जो मैं तो बोलती हूँ, दो बच्चे भी मिल रहे तो दो बच्चों को सिखाओ, क्योंकि दो का तो आपने काम किया, वो दो चार को सिखाएंगे, चार से दस होगा, दस से बारह हो जाएगा, करते करते बढ़ते जा। तो दो बच्चे ही सही और आप लोग क्लास चालू कर दीजिए। जिन लोग के घर में गोंडी भाषा बोली जाती है उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि आप अपने घर में अपनी भाषा जरूर बोले, बच्चे सीख लेंगे, कल के दिन बच्चों को अच्छा लगेगा। क्योंकि हमारे पास में दो भाषा आती, हिंदी आती, गोंडी आती, इंग्लिश आती, गोंडी आती, मराठी आती, गोंडी आती। देखिए आपने ऐसे जो रह रहे थे उसी बीच में आपने बच्चों को क्या सिखा दिया। और इसके साथ में हमारी लिपि जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण जो हमारा पूरा विश्व में नहीं कहना चाहिए, और भारत की बात कर ले क्योंकि आप भारत में हैं, तो भारत में भी अभी भी हमारे गढ़ किले में वो लिखित तौर पे जो लिखे हैं सिंबल, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन दादा मोतीरावण कंगाली जी ने जब शुरू किया था तो लोग जागरूक हो गए, और आज भी जो लोग लिपि को जानते हैं, जब ऐसे भारत के कोई भी कोने में जाते हैं और वहाँ देखते हैं तो वो समझ जाते हैं ये तो हमारा है। लेकिन आज लोगों ने चलाक में, क्योंकि हम जागरूक नहीं हो पाए थे इतने, तो लोग ने उसको नाम बदलने लगे हैं। लेकिन हमारे लोग आज भी निशानी देख के, वो लिपि देख के समझ जाते हैं कि जरूर ये हमारा था, अभी लोगों ने चलाक होने के कारण इसको बदल रहे हैं। तो इसलिए हमको लिपि का भी ज्ञान होना जरूरी है, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, अगर सीखना चाहो तो हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। तो आप लोग से भी निवेदन है कि आप लोग भी
जरूर सीखिए, घर में बोलचाल की भाषा में करिए और उसको लेके आइए। बोलते भी आना चाहिए, लिखते भी आना चाहिए, और इसको हमको ज़्यादा जोर नहीं देना। और जिनको आती तो वो तो घर में कर रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में नहीं आती तो आप उनको भी सिखाओ। जैसे मेरे पड़ोस में है सामने, मैं उससे बोलती कि मेरे को कुछ तो गोंडी में बोला करो तो मुझे समझ आएगी। तो इस प्रकार से हम लोग सिखा भी सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ क्लासेस चालू हैं तो आप ला अपना सहयोग प्रदान करिए, योगदान दीजिए। जिसको आती है वो बता दे, है ना। और कुछ जैसे कभी कभी क्षेत्रीय भाषा में भी वो हो जाता है, थोड़ा अंतर आ जाता, तो आप क्षेत्रीय भाषा के बीच में बैठ के, जैसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट पर डे निकालेंगे, हर दिन निकालेंगे, तो निश्चित ही हमारी प्रचार प्रसार जो भाषा का होगा। तो एक भाषा का आप ध्यान रखिए। दूसरी बात है कि हर जगह मैं चाहती हूँ एक गुरबाना दर्शन मैंने पत्रिका ये पेज के माध्यम से, लाइव के माध्यम से चाहती हूँ, जो जो माँ शक्तियाँ मुझे सुन रही हैं या पितृ शक्तियाँ सुन रही हैं, अपने घर की माँ शक्तियों को जरूर बोलिए कि सब जगह महिला मंडल चालू करिए और उनके द्वारा काम कराइए। शुरुआत 2 से होती है, ज़्यादा महिलाएं नहीं आती, बाद में खुद ही आती। जैसे शुरुआत मैंने पहले अकेले की, फिर 2 मेरे साथ में जुड़ी, रश्मि और सिंडी मैडम कोरबा से, और ये यहाँ पर बालाघाट से। अभी मेरे साथ इतनी हो गई कि पीछे भी है मेरे साथ में, देखिए ये लोग तो बिल्कुल आज भी पूरे समय लगी रहती हैं कि अभी भी बैनर उन लोगों ने तैयार करके दिए। यशोदा ठाकुर, हेमा ठाकुर, मेरे भाभी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, कोड़ियार जी को, नीलू मसाम जी को भी, जिन्होंने बोले दीदी अपनी टीम का भी रहना चाहिए, कम से कम IPF का नाम लेते हैं। ऐसी बहुत सी माँ सकती हैं मेरे साथ, 30-35 जुड़ी हुई हैं कि नाम नहीं ले सकती। भरवेली की महिला है जिन्होंने मुझे आरती सिखा दिया है, बिल्कुल फड़ापिन की हम लोग जाते ही हैं, तो उनको सबको धन्यवाद। बहुत अच्छे से चल रहा है और आज हमारे में इतनी जागरूकता आ गई कि आज हम समझने लगे हैं। तो मैं आज मेरी माँ शक्तियों से मेरा यही है कि आप लोग जहाँ रहते हैं 2 से शुरुआत करिए। 2 से 20 होगा, 200 होगा, 2000 होगा, तब तक हमारा समाज जागरूक होगा। और आज हम बहुत अच्छे कहना चाहिए समय में है, भौतिक सुख सुविधाओं के बीच में है, जब भी समय मिले तब करिए। मैं हमेशा ये मंच में भी बोलती, आज मैं पुनः बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ठान लिया कि आखिरी में मुझे ये बोलना ही है कि सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। सफलता उन्हें नहीं मिलती जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, सफलता तो निरंतर प्रयास करने वालों के हिस्से में आती है। सफलता तो निरंतर प्रयास करने वालों के हिस्से में आती है। जी हाँ, इसलिए आती है क्योंकि जो शुरुआत करेगा, जो प्रयास करेगा, उसको सफलता मिलेगी। मुझे मिल गई, मुझे समझ आ रहा है। और अंत में मैं बहुत बहुत एक संदेश देना चाहती हूँ, जो सब आप लोग जो लोग देख रहे हैं वो तो जागरूक हैं, पर दूसरों तक के पहुँचाइए कि पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे होने का सबूत देना होगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे, सब लोग बोलते हैं हम शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे होने का सबूत दो, समझदार हो तो समझदारों का भी सबूत दो। और अब तो अपने कोया वंशियों, अपने समाज के प्रति जागरूक हो गए हो तो जागरूकता हेतु कार्य करो, जागरूकता हेतु कार्य करो। आपको जागरूक माने जागरूकता हेतु कार्य करना है। हमारे लोग आज भी बहुत भीषण जंगलों में, ग्रामीण एरियो में रहते हैं, तो आपको एक प्रण कर लेना चाहिए, कम से कम सप्ताह में नहीं जा सकते तो महीने में एक दिन अपने पास के नज़दीक में हमारे जो लोग रहते हैं उन तक कि आप अपना संपर्क करिए। आपको दूर दूर जाने की जरूरत नहीं है, जिस जगह रहते हैं, बस मैं भी उतना ही करती, मैं ज़्यादा दूर जाना पसंद नहीं करती। मेरे बालाघाट एरिया में मैं उतनी, मैं बालाघाट संभाल लूँ, जितना हो सकता हम उतनी दूर जाने का प्रयास करें। और बहुत से लोगों को है बालाघाट में आएंगे कभी तो पता भी लग जाएगा कि हम लोग जो आर्थिक शारीरिक जो भी है सहयोग है हम लोग प्रदान करते हैं वो पता भी लगा। वैसे ही आप लोग अपने अपने क्षेत्र को संभाल लीजिए, तो इतना ही काम करना है। और देखिए जब सब हम लोग अपने अपने क्षेत्र को संभाल लेंगे तो हमारा समाज पिछड़ा नहीं रहेगा। तो मैं यही चाहती कि पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे का सबूत दे दीजिए आप लोग। और अंत में दिल से हृदय तल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय मामी जी उषा अतराम जी का, कि जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो एक बहुत अलग टाइप की एनर्जी आती है, क्योंकि वो भी साहित्यकार हैं और मैं हिंदी भाषा की हूँ, अपनी गोंडी भाषा की तो नहीं हूँ लेकिन हिंदी भाषा की हूँ, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है, बेटा मैं ये कर रही हूँ, है ना। उम्र में देखो उनकी उम्र वाली, ऐसा बोले उम्र वाली बात है तो उम्र की तो बात ही नहीं कहना चाहिए कि करने वाला इंसान कभी भी कर सकता, और इतने अच्छे से करती है। तो मैं दिल से मामी बहुत मानती हूँ। साहित्य तौर पर मैंने आपको बहुत पहले जान गया था, पर मुझे नहीं मालूम थी कि मेरे इतने नज़दीक की आप निकलेंगी, और नाम सुनती रहती थी क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में तक के मैंने ये कहना चाहिए नागपुर महाराष्ट्र में आपकी बुकें आती हैं, तो कितनी बड़ी हमारे समाज के लिए उपलब्धि है।
सैताली जी को भी बहुत बहुत, मेरी बहन है, छोटी बहन है, उससे भी मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ, पता लगा है, और वो क्या काम कर रही है आप लोग को भी सब पता लग गया है। जब ये यहाँ भी आई थी बालाघाट, बहुत अच्छा लगता है कि इस उम्र में जब लड़कियाँ हैं जो सजने संवरने का, घूमने फिरने का, पिक लेने का पड़ा है, वो आज इस उम्र में ये कार्य कर रही है। और मैंने उसकी जब भी कोई पोस्ट देखा है, तो मैंने उसकी कभी कोई गलत गलत नहीं कहना चाहिए, कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं देखा, समाज से संबंधित, जो जागरूकता से संबंधित है, वही पिक को मैंने देखा। तो सताली बहन, छोटी बहन मेरी, चुडूर सलार जी, आपको भी मेरा सेवा जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस उम्र में जागरूकता का काम कर रहे हैं। उसके साथ में रमेश कासा जी हो गया, नेताम भाई मेरे हो गए, कमलेश गोंड, मैं तो उसको बोलती बाप रे, वो लड़का भी इतना करता रहता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब लगे हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि उसके बर्थडे जी का उस दिन फ़ोन आया, तो मुझे इतना अच्छा लगा 11 तारीख को कि मैंने उनसे पहली बार फ़ोन की में बात हुई, लेकिन मैंने 1.5 घंटे बात कर लिया। ये अपनापन होता है, ये जानकारी होती है, तो अच्छा लगा। पूरी टीम को, अगर मैंने बाई चांस किसी का नाम भूल गई हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, रंजूक चाहती हूँ, और आप सभी ने कि आज लाइव आने का तो दिया ही मुझे मौका, लेकिन इसके माध्यम से मैं बताऊं, मैं ज़रूर इसको लगाती, अगर मैं जिस दिन लाइव नहीं देख पाती गुरुवाना दर्शन का, तो मैं उस दिन फिर रात में इत्मीनान से उसको सुनना चाहती हूँ। बहुत सी जानकारियाँ मुझे जो प्राप्त हुई हैं गुरुवाना दर्शन के माध्यम से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ तक कि हम नहीं पहुँचे, जिनसे हम नहीं मिले, उनका आपने एक लाइव माध्यम से हमको दिखा दिया, हमको सुना दिया, हम जान गए। मैंने खासी जनजाति के बारे में नहीं सुना था, लेकिन उस दिन जब सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा और दिमाग में फिट हो गया। तो ये चैनल के माध्यम से जो आप लोग लाइव करवा रहे हैं, और पूरे ऑल इंडिया के लोगों को तो ला रहे हैं, विदेश के तक के लोगों को ला दिया कि देखो हमारे लोग, देखो सही बोलते हैं ना, विश्व में फैले हुए हैं, तो वो सबूत के तौर पर आपने इसको सामने रखा, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और सभी सगा जनों से, अपने समाज से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारा गुड़वाना दर्शन जो पत्रिका है, जो मामा जी के कारण थोड़ा सा भी माने ऐसा कुछ, मामा जी हमारे बीच में नहीं रहने के कारण रुक गया, मामी जी इसको शुरुआत कर रही है, तो हम सब लोग, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको, जो भी हमारी सामाजिक पत्रिका है गुड़वाना दर्शन आ रही है, उसको हम लोग उसका प्रचार प्रसार और उस माध्यम से हम अपने लोगों तक के पहुँचाए, और आप खुद भी उसको बढ़ावा दें, ताकि जिससे, क्योंकि बाहर अपन को ये मटेरियल नहीं मिलने वाला, सब जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को साहित्य के तौर पे जो हम लोग पिछड़े थे, उसको आगे ला लो। और जब हमारा साहित्य सामने आ जाएगा ना, तो देखिए जो हमारे गढ़ किले, जो अभी कहने चाहिए कहीं ना कहीं उसको दरकिनार किया गया है, हमारे नाम से सामने नहीं लाया गया, उस चीज़ को हम अपने सामने ला लेंगे, अपने लोगों के तक के ला लेंगे। क्योंकि मैं तो हर जगह प्रार्थना करती हूँ कि जो हमारा है और जो अभी लोगों को नहीं समझ आ रहा, वो हमको वापस मिल जाए, यही मेरी प्रार्थना होती है। और सभी से मैं चाहूँगी कि अपनी एक प्रार्थना में ये भी शामिल करें, और जो हमारा ये साहित्य का है, क्योंकि समाज का दर्पण साहित्य होता है, और साहित्य में जो अगर आज आप लिख रहे हैं, तो वो चीज़ें क्या रहती है, आप रहे चाहे ना रहे। आज देखिए ना, हमारे बीच में मामा जी आशीर्वाद आज दे ही रहे होंगे, पेनवासी हैं, लेकिन अगर आज वो आज ये काम नहीं करते, तो आज हम लोग इस लायक नहीं होते। तो उसी के लिए बहुत बहुत पूरी टीम को मेरा दिल से धन्यवाद, आभार। और शायद मैंने बहुत कुछ छोड़ भी दिया होगा, लेकिन समय की भी रहती है एक मर्यादा है, पर सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को सेवा जोहार, सेवा जोहार, सेवा जोहार।